अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कल होने वाला है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम में छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। कोविड को लेकर अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक भी की जाएगी। कल दोपहर 12 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे अयोध्या। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीएम योगी के अयोध्या दौरे को लेकर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना है, जहां कार्यक्रम में छात्रों को लैपटॉप टैबलेट का वितरण किया जाएगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रोहित दीक्षित जुड़े हुए हैं। रोहित, कल सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है, विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरह विधानसभा चुनाव नजदीक है और लगातार जो पार्टियां हैं वो सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां दौरे कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या दौरा करेंगे, अयोध्या राम मंदिर के पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में उनका एक कार्यक्रम है, जिसमें नौ युवा छात्र छात्राओं को जो है लैपटॉप और टेबलेट का जो है वितरण करेंगे। कोविड को लेकर अधिकारियों के साथ वार्तालाप करेंगे और कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। लगातार आपको बता दें कि कोविड नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार उत्तर प्रदेश को घेर रहा है और चुनाव को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर वार्ता करेंगे। सबसे प्रथम प्राथमिकता देते हुए भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करने के बाद वो अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जी जी रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कल होना है, जहां राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होगा, जहां छात्रों को लैपटॉप टैबलेट का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही कोविड के लिए अधिकारियों के साथ भी बैठक होनी है। आपको बता दें कल दोपहर 12 बजे सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां एम्स के 3 इंटर्न डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 सीनियर डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। एम्स ने ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है, जहां आपको बता दें एम्स के 33 इंटर्न डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, एम्स ने से लेकर जानकारी दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां एम्स के 33 इंटर्न डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही 3 सीनियर डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एम्स ने डॉक्टर्स के संक्रमण को लेकर ट्वीट कर इस मामले में जानकारी दी है। बड़ी खबर यहां सामने आ रही है, जहां 33 इंटर्न डॉक्टर्स जो हैं रायपुर एम्स के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पटेल जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एम्स के 33 इंटर्न डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या खबर है, विस्तार से बताएं। ये बता दें, जिस तरीके से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है, वही अब डॉक्टर्स भी इसके चपेट में आने लगे हैं। जिला अस्पताल की कहे या बड़े अस्पतालों की, निजी अस्पतालों की कहे, चाहे एम्स अस्पताल प्रबंधन की कहे, जिस तरीके से 33 जूनियर डॉक्टर जिसमें 19 छात्र और 14 छात्राएं रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वही 3 अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों की रिपोर्ट पहले भी पॉजिटिव आ चुकी है। इस तरीके से एम्स प्रबंधन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। इस तमाम जो जिस तरीके से रिपोर्ट जारी है, उसका एम्स प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। लगातार जिस तरीके से डॉक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं, अलग अलग डॉक्टरों को कहीं ना कहीं खतरा यहाँ पर बरकरार हो रहा है। तीसरी लहर की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, तो निश्चित तौर पर आगामी दिनों और भी सख्ती बरतने की जरूरत है। चाहे नियमों की बात की जाए, चाहे नियमों को और कड़ाई से अक्षर से पालन कराने की बात की जाए, कड़ाई बिल्कुल बेहद जरूरी है। जिला प्रशासन की ओर से नियमों पर कड़ाई करना ही होगा, ताकि जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही छत्तीसगढ़ से राजधानी में, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर भयावह रूप ले सकता है। जी जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें एम्स के 33 इंटर्न डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 3 सीनियर डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं एम्स ने ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी।